हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम हेमंत शर्मा है और आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है वेब एप्लीकेशन। ये क्लास 10th का यूनिट सेकंड है, वेब एप्लीकेशंस। इस वेब एप्लीकेशंस के अंदर हमारे 8 सेशन आते हैं, वर्किंग विद एसिबिलिटी ऑप्शंस, नेटवर्किंग फंडामेंटल, इंट्रोडक्शन टू इंस्टेंट मैसेजिंग, चैटिंग विद ए कंटेंट, क्रिएटिंग एंड पब्लिशिंग वेब पेजेस यूजिंग ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर, ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस, एंड लास्ट आता है इंटरनेट सिक्योरिटी। तो हम एक एक करके सेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला सेशन आता है कि भाई एसिबिलिटी ऑप्शन के साथ काम कैसे किया जा सकता है। तो एसिबिलिटी ऑप्शंस है क्या? तो एसिबिलिटी फीचर्स जो होते हैं ना, वो उन लोगों के लिए होता है काफ़ी ज़्यादा, जो लोग एक तरीके से विजुअल इम्पेयरमेंट हो, हियरिंग इम्पेयरमेंट हो, जिन लोगों को एक तरीके से दिखाई कम देता हो, कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम हो, सुनाई कम देता हो, डिसेबिलिटी फीचर एक तरीके से, हैंड श्रिंक करते हैं जिन लोगों के, तो वहां पर उन लोगों के लिए ये जो एसिबिलिटी जो फीचर है एक तरीके से काफी ज्यादा फ्रेंडली होता है। इस एसिबिलिटी ऑप्शंस को ओपन करने के लिए अगर मैं विंडो एक्सपी की बात करूँ, तो हमारी बुक में विंडो एक्सपी के बारे में, विंडो एक्सपी से रिलेटेड दे रखा है। विंडो एक्सपी में अगर मैं बात करूँ, तो हम स्टार्ट पे जाते हैं, कंट्रोल पैनल पे जाएंगे और एसिबिलिटी ऑप्शंस पे क्लिक कर देंगे। लेकिन अगर मैं विंडो 7 या विंडो 8 की बात करता हूँ, तब वहां पर हम स्टार्ट पे जाएंगे, कंट्रोल पैनल में जाएंगे, हमारे पास एक ऑप्शन आ जाएगा ईज ऑफ एक्सिस का। ईज ऑफ एक्सिस सेंटर पे हम क्लिक करेंगे तो हमें एसिबिलिटी ऑप्शन का फीचर दिखाई देगा। वहां पर आपको एक डायगोनल बॉक्स ओपन होएगा, उस ओपन के अंदर हमारे पास अलग अलग टैब होते हैं, कीबोर्ड टैब, साउंड टैब, डिस्प्ले टैब, माउस टैब और जनरल टैब। हमारा जो पहला जो टैब है, जिसका नाम है कीबोर्ड टैब, कीबोर्ड टैब के अंदर हमारे पास 3 टाइप की कीज होती हैं, स्टिकी की, फिल्टर की और टॉगल की। तो एक एक करके इन कीज के बारे में हम बात करते हैं कि ये की क्या होती हैं, किस लिए इनका यूज होता है। स्टिकी की क्या होती है? स्टिकी की एक तरीके से एक ऐसा एबिलिटी फीचर है जो फिजिकल डिसेबिलिटी वाले जो लोग होते हैं, जो एक तरीके से एक टाइम पे 2 की एक साथ प्रेस नहीं कर सकते, उनके हैंड श्रिंक करते हैं एक तरीके से, ये लगा लीजिए। ठीक है, तो वहां पर फॉर एग्जाम्पल वो नोट पैड पे ओपन करते हैं, हम नोट पैड ओपन करा हमने, हम कुछ टाइप करते हैं, हम एक तरीके से कंट्रोल प्लस ए दबाते हैं, तो हम सेलेक्ट ऑल करते हैं। तो स्टिकी की में क्या होता है, हमारे पास कुछ ऐसे मॉडिफायर की होती हैं जो हमारी मॉडिफायर की कहलाती है शिफ्ट, कंट्रोल और ऑल्ट। ठीक है, तो वहां पर एक तरीके से बार बार उनकी को ना दबाना पड़े, तो वहां पर उस स्टिकी की का फंक्शन इस्तेमाल करा जाता है। तो मुझे बार बार कंट्रोल प्लस ए, बार बार मुझे कंट्रोल की नहीं दबानी है, तो मैं वहां पर क्या करूंगा, वही कंट्रोल पैनल में एसिबिलिटी ऑप्शन पे जाऊंगा, कीबोर्ड के टैब पे स्टिकी की को ऑन कर दूंगा, एक्टिव कर दूंगा, तो उससे रिलेटेड मेरे को बार बार कंट्रोल की या अलग से की दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और ये तब तक एक्टिव रहेगा जब तक मैं कोई दूसरी की पे प्रेस नहीं कर सकता, कॉम्बिनेशन कोई प्रेस नहीं कर देता। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन आता है, नेक्स्ट ऑप्शन आता है मेरे पास फिल्टर की का। फिल्टर की भी एक माइक्रोसॉफ्ट विंडो का एक ऐसा फीचर है जहां पर हमारे रिपीटिव की स्ट्रोक को इग्नोर करने के लिए काम आता है। मतलब क्या होता है इसका, कि हम क्या करते हैं, जब भी हम कभी कुछ टाइप करते हैं तो कुछ ऐसी चीज होती है कि बार बार हमारे पास रिपीटेड की स्ट्रोक दब जाती है हमसे, हम कुछ टाइप करें बार बार की बार बार गलती से दब रही है। तो इस प्रॉब्लम को फिल्टर की हेल्प से इजी करने के लिए हम फिल्टर की को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट जो की आती है, नेक्स्ट की का नाम है टॉगल की। टॉगल की भी एक माइक्रोसॉफ्ट विंडो का एक फीचर होता है। टॉगल की हेल्प से हम क्या करते हैं, ये उन लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है जिन लोगों को दिखाई नहीं देता, ये कम्युनिटी डिसेबिलिटी है इन लोगों को। वो क्या करते हैं, इस टॉगल की फीचर को ऑन करके उनसे उनको हेल्प मिलती है साउंड की। जब भी वो कैप्स लॉक, नंबर लॉक और स्लोर लॉक की दबाएंगे तब उनको एक साउंड सुनाई देगी, और जब भी वो कैप्स लॉक, नंबर लॉक और स्लोर लॉक डीएक्टिव करेंगे तभी भी उनको अलग टाइप की साउंड सुनाई देगी। ठीक है, तो ये जो टॉगल की है ये किस पर्पस के लिए है, जिन लोगों को दिखाई नहीं देता एक तरीके से, तो वो उनके लिए वो साउंड जनरेट हो जाती है, वो टाइप कर रहे हैं तो वो कैप्स लॉक दबाते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि उनका कैप्स लॉक एक्टिव हो चुका है, तो उनके लिए क्या यूज हो जाता है, साउंड आ जाती है उनको एक तरीके से टॉगल की। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास जो टैब आता है, नेक्स्ट टैब का नाम है हमारा साउंड टैब। साउंड टैब क्या करता है कि भाई हमारे पास साउंड टैब के अंदर दो टाइप के साउंड होते हैं, एक होता है साउंड सैनिटरी और एक होता है हमारा शो साउंड। साउंड सैनिटरी की बात करें, ये उन लोगों के लिए होता है जिनको सुनाई नहीं देता, ठीक है। वहां पर उनके लिए क्या होता है कि कंप्यूटर कभी भी कोई साउंड जनरेट करेगा, हम कुछ टाइप कर रहे हैं, कुछ एरर आ गया है, उसके लिए कंप्यूटर साउंड जनरेट करता है, लेकिन उन लोगों को अगर सुनाई नहीं देता तो वहां पर उनके लिए साउंड सेंट्री क्या जनरेट कर देता है, एक विजुअल वार्निंग, एक ब्लिंकिंग टाइटल बार या फ्लैशिंग बॉर्डर उनके सामने आ जाता है। जब भी कंप्यूटर साउंड जनरेट करेगा तो एक ब्लिंकिंग टाइटल बार जनरेट वहां पर होगा, ठीक है। और जो हमारा शो साउंड का जो फीचर है, शो साउंड क्या करता है, हमें अलग अलग साउंड जनरेट करता है अलग अलग फीचर्स जानने के लिए, ठीक है। तो वहां पर हमारा क्या यूज होता है, शो साउंड, चीजों को समझने के लिए हमें वो हेल्प करेगा। हमारा थर्ड टैब है डिस्प्ले टैब। डिस्प्ले टैब के अंदर दो चीजें आती हैं, हाई कंट्रास्ट और कर्सर ऑप्शन। हाई कंट्रास्ट क्या होता है भाई, जिन लोगों को कम दिखाई देता है तो वो अपना क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर की कंट्रास्ट को बढ़ा सकते हैं। तो वहां पर हमारे पास क्या यूज होता है, हाई कंट्रास्ट। यूजिंग दिस ऑप्शन इफ यू वांट विंडो टू यूज कलर एंड फॉन्ट डिजाइन फॉर इजी रीडिंग, आसान बनाने के लिए, तो हम उस कंट्रास्ट को हाई कर देते हैं। और कर्सर ऑप्शन क्या करता है, हमारे कर्सर के ब्लिंक रेट को सेट करता है, ठीक है। हमारा जो कर्सर है इसके ब्लिंक रेट को मुझे सेट करना हो, उसकी स्पीड को सेट करना हो, तो वहां पर हम क्या यूज कर सकते हैं, करके से कर्सर ऑप्शन। हमारे पास जो नेक्स्ट टैब है उस टैब का नाम है माउस टैब। माउस टैब क्या करता है, ये भी ऐसा फीचर है जब हमारे पास माउस नहीं है, एक तरीके से हम चाहते हैं कि कीबोर्ड की हेल्प से हम माउस के ऑपरेशंस को ऑपरेट कर सकें, जो काम माउस कर सकता है वो माउस ना होने के बजाय कीबोर्ड के थ्रू उस माउस को हम ऑपरेट करें, तब हम यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, अपनी माउस की। उसके बाद आता है जनरल टैब। जनरल टैब क्या होता है, हमारे एसेसिबिलिटी ऑप्शंस को कॉन्फ़िगर करता है कि भाई जितने भी सारे एसेसिबिलिटी ऑप्शंस हैं, कौन से डिस्प्ले हो रहे हैं, कौन से ऑन है, कौन से ऑफ है, उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, तरीके से जनरल टैब, ठीक है। जनरल टैब में जाने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है सीरियल की डिवाइस। सीरियल की, सीरियल की क्या होता है कि अगर कोई यूजर माउस भी यूज ना करना चाहता हो, कीबोर्ड भी यूज नहीं करना चाहता हो, ठीक है, वो दोनों यूज नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि भाई उसके पास एक ऐसा स्पेशल डिवाइस हो जिससे वो कंप्यूटर को ऑपरेट कर सके। जैसे कि आजकल क्या होता है, गाड़ियों में हम क्या करते हैं, हम अपनी वॉइस देते हैं और हमारा जो गाड़ी का जो म्यूजिक प्लेयर है वो अपने आप वर्क करता है। तो इसी तरीके से हमारे पास एक ऐसा सीरियल की ऑप्शन होता है कि हम कोई हमारे पास कोई स्पेशल डिवाइस हो, जैसे पफ और बी स्विचेस, कि हमारी साउंड से ही हमारे सिस्टम को चलाया जाए, मैं कुछ भी बोलूँ तो उस हिसाब से मेरा सिस्टम वर्क करे, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर हमारा हमारा जो पहला सेशन है, हमारा पहला सेशन यहीं पर ही हमारा एंड होता है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ। हमारा नेक्स्ट सेशन का नाम है नेटवर्किंग फंडामेंटल। नेटवर्किंग फंडामेंटल क्या होता है, जब एक या एक से ज्यादा कंप्यूटर्स को जोड़ा जाता है या हार्डवेयर कंपोनेंट्स को जोड़ा जाता है, ठीक है, और उन जोड़े हुए कंपोनेंट्स को के थ्रू हम अपने रिसोर्स को या अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, तो हमारा क्या बनता है, एक तरीके से कंप्यूटर नेटवर्क। तो एक सिंपल भाषा में कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में आपसे एक बात कहूं, दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर को जोड़ दिया जाए जिससे वो अपने रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है, एक तरीके से कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क दो तरीके से अटैक कर सकते हैं, एक होता है पीयर टू पीयर और एक होता है हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। पीयर टू पीयर क्या होता है, पीयर टू पीयर जब हम एक ही कॉन्फ़िगरेशन के सीपीयू लगे हों और आपस में कनेक्ट कर दें तो वो हमारा क्या होता है, पीयर टू पीयर। और क्लाइंट सर्वर क्या होता है कि हमारे पास एक सर्वर होता है, एक क्लाइंट होता है, सर्वर का काम है सर्विसेज देना और क्लाइंट का काम है उन सर्विसेज को यूज करना। जैसे कि फेसबुक का एक सर्वर है, फेसबुक हमें सर्विसेज देता है, हमारे सभी के कंप्यूटर क्लाइंट्स हैं, हम उन सर्विसेज को यूज कर सकते हैं, तो हमारा क्या तरीके से क्या है, वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। यहाँ पर हमारे दो मेजर टाइप दे रखे हैं, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। एक मैन एरिया नेटवर्क भी होता है, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क भी इसको कहते हैं हम एक तरीके से। लोकल एरिया नेटवर्क हमारे छोटे छोटे जगहों के लिए यूज होता है, घर के लिए, स्कूल के लिए, लैब के लिए, ऑफिस बिल्डिंग के लिए, क्लोज जहां पर कम काम,
तो वहां पर हमारा लोकल एरिया नेटवर्क यूज होता है, जैसे हमारे घर में वाईफाई, वाईफाई एक तरीके से लोकल एरिया नेटवर्क का ही एक एग्जाम्पल है एक तरीके से, ठीक है। अगर मैं वाइड एरिया नेटवर्क की बात करूं तो ये ब्रॉड एरिया के लिए इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है, स्टेट्स के लिए, कंट्रीज के लिए हमारे नेटवर्क जब फैल गए होते हैं, तो इंटरनेट जो हमारा कहलाता है एक वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। अब इंटरनेट की बात आई तो इंटरनेट है क्या? इंटरनेट हमारा एक तरीके से नेटवर्क ऑफ नेटवर्क कहलाता है। इसकी एक बिल्कुल छोटी सी डेफिनेशन है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इंटरनेट की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल नेटवर्क। क्या है फुल फॉर्म है इसकी? इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट हमारा प्राइवेट, पब्लिक, एकेडमी, बिजनेस, गवर्नमेंट नेटवर्क से सभी से मिलके हमारा एक ऐसा जो नेटवर्क बनता है वो हमारा क्या कहलाता है? इंटरनेट। ये रहा, इट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स दैट कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ प्राइवेट, पब्लिक, एकेडमिक, बिजनेस, गवर्नमेंट नेटवर्क्स। ये हमारा सारे का सारा क्या कहलाएगा? इंटरनेट। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? ये एक तरीके से हमारा वेब के लिए डिजाइन किया जाता है। जब भी हम कोई इंटरनेट पे कोई साइट डिजाइन करते हैं, जब भी हम कोई लिखते हैं तो www से स्टार्ट होता है, ठीक है। वेब वेब ब्राउजर के अंदर हर चीज, हमारा इमेज, टेक्स्ट, वीडियो, मल्टीमीडिया, जितने भी हम हाइपरलिंक्स जनरेट करते हैं वो सारे के किससे जनरेट होते हैं? हमारे वर्ल्ड वाइड वेब से। इट इज ए सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एक्सिस्ट विया द इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू अगर हम कोई HTML फाइल को जनरेट करते हैं तो वो किस में आ जाता है? वर्ल्ड वाइड वेब में आ जाता है। हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भाई हमारे जो नेटवर्क हम बनाते हैं इसके एडवांटेजेस क्या है, इसका यूज क्या है। जब हमारे पास कंप्यूटर है तो हमें नेटवर्क बनाने की क्यों जरूरत पड़ी, वाई? तो इसके हमारे पास जो एडवांटेजेस हैं नेटवर्क बनाने के, हमारा पहला एडवांटेज है डाटा को शेयर करना। अगर मुझे अपने डाटा को शेयर करना हो, मुझे अपनी फाइल को शेयर करना हो, ऑडियो फाइल को, वीडियो फाइल को, प्रेजेंटेशन फाइल को, टेक्स्ट फाइल को, तो हम नेटवर्क के थ्रू हम अपने डाटा को शेयर कर सकते हैं, हम अपने हार्डवेयर को शेयर कर सकते हैं। मुझे हर एक कंप्यूटर के लिए 10 प्रिंटर्स लाने की जरूरत नहीं है, मैं एक प्रिंटर को ही 10 कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकता हूँ, नेटवर्क बना सकता हूँ। इंटरनेट को शेयर करने के लिए जैसे कि हम हॉटस्पॉट यूज कर सकते हैं, हम वाईफाई के थ्रू हम इंटरनेट को शेयर कर सकते हैं, तो हम इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। यूसेज ऑफ नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन, तो हमारे पास चैट एप्लीकेशन होती है कम्युनिकेशन करने के लिए, वीडियो कॉलिंग करने के लिए, ऑडियो कॉलिंग करने के लिए, हम एक तरीके से नेटवर्क की हमें जरूरत पड़ती है। अब इंटरनेट को कैसे एक्सेस किया जा सकता है? अगर मुझे इंटरनेट को कैसे मुझे मुझे इंटरनेट मिलेगा कहाँ से? इंटरनेट को जो एक्सेस करता है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिससे हमें इंटरनेट हमें मिलता है। किसके थ्रू मिलता है? डायल अप के एक्सेस के थ्रू मिल सकता है, हमें लीज लाइन के थ्रू मिल सकता है, हमें DSL के थ्रू मिल सकता है, हमें ISDN के थ्रू मिल सकता है, तो वहां से हमें इंटरनेट की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। तो इंटरनेट में अगर मैं इसकी बात करूं, भारत संचार निगम, BSNL हो गया, एयरटेल हो गया, MTNL, ये हमें सारे के सारे इंटरनेट हमें प्रोवाइड कराते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है मॉडम। मॉडम क्या होता है? मॉडम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर क्या करता है? किसी भी डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है, और डीमॉड्यूलेटर क्या करता है? उसी एनालॉग सिग्नल को वापस से किसमें बदल देगा? डिजिटल सिग्नल में बदल देगा। तो उसको हम क्या कहलाते हैं? मॉडम बोलते हैं उसको। क्लियर? टाइप्स ऑफ कॉमन इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो अगर हमारे पास दो टाइप की कनेक्टिविटी होती है, कुछ होती है वायर और कुछ होती है वायरलेस। अगर मैं वायर की बात करूँ तो डायल अप, DSL, केबल इंटरनेट एक्सेस, ISDN हमारी कैसी होती है? वायर होती है। लेकिन मैं वायरलेस की बात करूँ तो हमारे पास 3G, वाईफाई, वाईमैक्स, ये कैसे कैसे होते हैं हमारे पास? वायरलेस होते हैं। तो ये भी हमारे एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हमारे वायर कौन से होते हैं, वायरलेस कौन से होते हैं, तो इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। अगर मैं डायलअप की बात करूं तो डायलअप क्या होता है? हमारे टेलीफोन लाइन के थ्रू, जो हमारे टेलीफोन की जो लाइन होती है ना, उसके थ्रू हम अपने इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। बट डायलअप में एक प्रॉब्लम होती है कि जब भी हम इंटरनेट को एक्सेस करेंगे तब हमारे टेलीफोन वर्क नहीं करेगा, ठीक है। अगर मैं DSL की बात करूँ, DSL को बोला जाता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, जो हमें इंटरनेट की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड कराता है। ये जब आपके MTNL देखा होगा, आपने BSNL देखा होगा, तो फोन लाइन, फोन के साथ साथ आपको एक
मॉडम भी प्रोवाइड कराते हैं, डीएसएल मॉडम भी आपको देते हैं, ठीक है। तो वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं हमारे, डीएसएल। फिर हमारे पास आता है केबल इंटरनेट एक्सेस, मैं केबल टीवी के थ्रू अपने इंटरनेट को हम एक्सेस कर सकता हूँ। 3G के बारे में आप लोग जानते ही हैं, 3G क्या होता है, थर्ड जनरेशन होता है, इट इज़ सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूज फॉर मोबाइल डिवाइसेस एंड मोबाइल टेलीफोन कम्युनिकेशन सर्विसेज एंड नेटवर्क, ठीक है। तो हमारे मोबाइल फ़ोन में जब 3G जब हम सपोर्ट करते हैं तो 3G की कनेक्टिविटी हम करते हैं। 3G की कनेक्टिविटी क्या होती है, ये थोड़ी स्लो भी हो सकती है, फास्ट भी हो सकती है, डिपेंड करता है, ये एक स्पीड में नहीं रहता, ठीक है। एक हमारे पास होता है वाईमैक्स, ये इंपॉर्टेंट है। वाईमैक्स की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सिस, ये एक वायरलेस कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो जब हम एक तरीके से वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी, ये क्या कहते हैं, माइक्रोवेव एक एरिया के अंदर, ठीक है, ये अपनी चीज को ऑपरेट कर सकता है, जैसे वो एरिया से बाहर जाएगा प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद आता है वाईफाई, वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई एक पॉपुलर टेक्नोलॉजी है डेट अलाउ एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज कंप्यूटर मोबाइल फोन टू एक्सटेंड डाटा वायरलेसली ओवर ए नेटवर्क। इसकी स्पीड हाई रहती है एक तरीके से, ये हमारे कंप्यूटर्स में, स्मार्टफोन्स में, वीडियो गेम्स में बहुत जगह ये इस्तेमाल होता है एक तरीके से। अब ये कहता है कि भाई डाटा जब हम ट्रांसफ़र करते हैं इंटरनेट पे, वो ट्रांसफ़र होता कैसे है, तो सिंपल सी बात है, इसके सिंपल से पॉइंट्स हैं। कोई भी डाटा होता है वो छोटे छोटे स्मॉल पीसीस साइज बिट्स में टूट जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैकेट्स। हर एक पैकेट के साथ एक हेडर ऐड हो जाता है जहाँ पर वो डाटा जाता है कि भाई उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है। जब भी पैकेट जाता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे, जब तक उसकी उसकी डेस्टिनेशन नहीं मिल जाती, लेकिन जब उसको डेस्टिनेशन मिल जाती है वो पैकेट एग्जामिन होता है, ठीक है, उसको देखा जाता है कि भाई वो पैकेट जो भी पैकेट वहाँ पर आया है वो मिस तो नहीं हुआ, डैमेज तो नहीं हुआ, अगर कुछ ऐसा है तो वो पैकेट दोबारा से रीसेंड होगा। जब वो वहाँ पर जा जाता है तो वो पैकेट दोबारा से रीसेंबल होकर अपनी ओरिजिनल फॉर्म में डाटा में आ जाता है। तो जब भी सिंपल सी बात अगर मैं आपको यहाँ पर समझाऊँ, जब भी हम डाउनलोडिंग करते हैं किसी भी डाटा का, किसी भी म्यूजिक फाइल को, वो बिट्स पर सेकंड्स में डाउनलोड होता है, पैकेट्स में उसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाती है एक तरीके से, ठीक है। तो हर एक पैकेट में उसका हेडर अटैच हो जाता है, वो अपनी डेस्टिनेशन पे जाता है, जब वो सारे पैकेट्स जब पहुंच जाते हैं तो दोबारा से वो अपनी वो ओरिजिनल फॉर्म में क्रिएट हो जाता है एक तरीके से, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर हम आगे बात करेंगे, तो इसमें आगे जब हम डिस्कस करते हैं तो हमारा यहाँ पर ही जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डिस्कशंस थी हमारी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। हमारा नेक्स्ट सेशन के हम चलते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग क्या होता है, हमारा जो थर्ड जो टॉपिक आता है इंस्टेंट मैसेजिंग के ऊपर, कि भाई जो इंस्टेंट मैसेजिंग है वो है क्या। किसी भी चीज़ के बारे में अगर मुझे तुरंत मैसेज करना हो, ठीक है, तब हम एक तरीके से तुरंत मैसेज करना हो तो हम एक तरीके से इंस्टेंट मैसेजिंग का यूज़ करते हैं। जैसे क्या होता है आजकल तो मार्केट में बहुत टाइप के हमारे पास चल रहे हैं, व्हाट्सएप हो गया हमारा, फेसबुक मैसेंजर हो गया हमारा, वी चैट हो गया, जो एक दूसरे से हम फ्री में बात कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। तो हमारे एक तरीके से क्या है, हमारे सारे के सारे इंस्टेंट मैसेजिंग है, ठीक है। तो इंस्टेंट मैसेजिंग के हमारे कुछ की फीचर्स होते हैं, ऑडियो कॉल हो गया, वीडियो कॉल हो गया, हम मैसेजेस कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ये उसके इंस्टेंट मैसेजिंग, फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हमारे सारे के सारे क्या है यहाँ पर, इंस्टेंट मैसेजिंग है यहाँ पर, ठीक है। तो इंस्टेंट मैसेजिंग के अकाउंट के बारे में बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं कि भाई जिनकी सेटिंग्स अलग अलग होती है, भाई व्हाट्सएप की सेटिंग अलग है, याहू मैसेंजर की सेटिंग अलग है, तो उसके हिसाब से हम उनकी सेटिंग्स देते हैं। उसके बाद आती है हमारे पास इंस्टेंट मैसेजिंग की सर्विसेज। तो इंस्टेंट मैसेजिंग की दो टाइप की सर्विसेज होती है, एक होती है एप्लीकेशन बेस्ड और एक होती है हमारी वेब बेस्ड। एप्लीकेशन बेस्ड क्या होता है कि भैया सिंपल सी बात है, अगर मैं एक एप्लीकेशन बेस्ड की बात करूँ, एक ऐप, मैं एक ऐप इंस्टॉल कर रहा हूँ और उस ऐप के थ्रू मैं उस सर्विस को एक्सेस कर रहा हूँ, वो तो वो हमारा क्या हो गया, एप्लीकेशन बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग। एप्लीकेशन बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर इज डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल्ड ऑन यूजर कंप्यूटर, जैसे कि हमारे गूगल टॉक, याहू मैसेंजर, स्काइप, ये व्हाट्सएप, ये हमारे क्या होंगे, एप्लीकेशन बेस्ड। वेब बेस्ड क्या होते हैं, मैं एक ब्राउजर को यूज करके, किसी भी एक ब्राउजर को यूज कर रहा हूँ और उस ब्राउजर के थ्रू मैं उस सर्विस को यूज कर रहा हूँ, वो हमारा क्या हो गया, वेब बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग
सर्विसेज कि भैया मैंने क्या करा, इंटरनेट एक्सप्लोरर खोला या मैंने क्रोम खोला, फिर मैंने याहू की साइट खोली, फिर मैं याहू के ऑप्शंस पे गया, वहाँ पर मैसेंजर पे गया, फिर मैंने वहाँ से बातें शुरू करी तो मैं एक पर्टिकुलर ईमो की साइट पे गया। साइट पे जाने के बाद मैंने ईमो मैसेंजर पे क्लिक करा तो वो क्या हो गया हमारा एक तरीके से वेब बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग। क्लियर? तो अलग अलग टाइप की अगर हम बात करें कि भैया क्रिएट एन इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट, तो हर एक टाइप का अलग अलग होता है कि भैया कैसे हम उसको इंस्टेंट मैसेजिंग को कर सकते हैं। तो भैया जो इंस्टेंट गूगल टॉक हो गया, तो गूगल टॉक एक इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस है जो टेक्स्ट और वॉइस कम्युनिकेशन दोनों प्रोवाइड कराता है। तो ये हमें एक तरीके से वीडियो कॉल्स भी हमें प्रोवाइड कराता है। तो ये गूगल टॉक के बारे में थोड़ी छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। गूगल टॉक को कैसे हम लॉन्च करते हैं, स्टार्ट पे जाएंगे, प्रोग्राम पे जाएंगे, गूगल टॉक पे जाएंगे, गूगल टॉक पे हम वहाँ पर हम क्लिक कर देंगे तो गूगल टॉक आ जाता है। तो अलग अलग तरीके से व्हाट्सएप को साइन इन करने का अलग तरीका है, फेसबुक को अलग तरीका होता है, गूगल टॉक का भी इनका अपना अलग तरीका है एक तरीके से साइन इन करने का। तो ये सारा गूगल टॉक के बारे में हमारा फोर्थ सेशन आता है, चैटिंग विद ए कंटेंट गूगल टॉक। ठीक है, तो चैटिंग हम कैसे कर सकते हैं कि भैया हमारे पास जब हम कोई चैट करते हैं ठीक है गूगल टॉक के अंदर, तो क्या क्या कंटेंट हमें देखने को मिलते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं गूगल टॉक के बारे में बात करूं, जब भी आपका कोई दोस्त कंटेंट लिस्ट में ऑनलाइन होगा तो हम उस पर्सन को शो कर सकते हैं ग्रीन पे, ग्रीन डॉट से, वही जैसे आप फेसबुक पे आप देखते हैं, जब आप मैसेंजर पे देखते हैं तो आपका कोई फ्रेंड ऑनलाइन होता है उस पर ग्रीन डॉट आपको दिखाई दे जाता है। तो आप क्या करते हैं वहां पर उस पर क्लिक करते हैं, यू कैन स्टार्ट सेंडिंग टेक्स्ट चैट मैसेजेस इंस्टेंटली बाय डबल क्लिक ऑन ए कंटेंट। उस पर कंटेंट पे आप क्लिक करेंगे, एक विंडो पॉपअप होएगा, तब आप टाइप करेंगे, जो भी आप टाइप करेंगे फिर आप एंटर मारेंगे, वो मैसेज वहां पर जाएगा, उसका वो रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, तो उस पर बाद आप उससे बाद चैटिंग आपकी स्टार्ट होती है इसी तरीके से। ठीक है, तो हमारे पास कुछ, जब भी हम कोई चैट करते हैं तो हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स हमें पता होने चाहिए। एक चैट करने के हमारे कुछ एक रूल्स होते हैं ठीक है, जो एक पढ़े लिखे इंसान को तो पता ही होता है एक तरीके से। ठीक है, जो हमारा मैसेज होता है वो शॉर्ट होता है, टू द पॉइंट होता है। जब भी कोई अननोन बंदा हो तो अपने आपको पहले आप इंट्रोड्यूस करो, अगर आपका स्क्रीन नेम रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा हो तो। ठीक है, ऑलवेज हमेशा दूसरे पर्सन से पहले ये पूछो कि उसके पास टाइम है कि नहीं है। ये नहीं है कि आप मैसेज पे मैसेज उसको करे जा रहे हो, अगर वो हमारा अगला जो पर्सन है वो बिजी आप आ रहा है। ठीक है, जब भी अभी बिजनेस इन्वायरमेंट में हो तो आपको पता होना चाहिए आपको क्या डिस्कस करना है। ठीक है, हमेशा अपने जब आप चैटिंग करते हैं तो ये ना हो कि हर एक लेटर को आप अपर केस में लिखो, तो ये थोड़ा सा एक तरीके से एग्रेसिव दिखता है। ठीक है, अगले पर्सन को आपको टाइम देना चाहिए रिस्पॉन्ड करने के लिए, ये नहीं कि आप मल्टीपल्स क्वेश्चन उसे पूछे जा रहे हो और दूसरे पर्सन को रिस्पॉन्स करने का आप टाइम दे ही नहीं रहे। ठीक है, तो हमारे पास ये कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स बताए गए हैं यहाँ पर, पांच छह आप रूल्स इसमें देख लीजिए। ठीक है, चैटिंग जीमेल पे जैसे आप गूगल टॉक पे बात करते हैं तो सेम उसी तरीके से आप चैटिंग विद गूगल टॉक के बारे में आप देख लीजिएगा, इसमें बहुत सिंपल सा ही है, वही ग्रीन डॉट के बारे में सेम ही, जैसे अलग गूगल टॉक पे कैसे करते हैं, याहू पे आप कैसे करते हैं, तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हल्का हल्का इनमें से दे रखा है। ठीक है,